सोनीपत हलके से भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार प्रत्याशी निखिल मदान का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। चुनाव में महज अब गिनती के दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा मदान पूरे दमखम के साथ कैंपेन में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वीरवार को उन्होंने शहर में पैदल यात्रा निकाली और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ लोगों का सैलाब चल रहा था। मदान के प्रचार अभियान में हर वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं, खासकर युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखी जा रही है। इस मौके पर निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत की जनता बदलाव चाह रही है, इसी कारण उन्हें जनता का भारी समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? आप देख सकते हैं आज पूरी मार्केट में मिशन चौक से लेके जो कालूपुर तक आज पद यात्रा रखी है, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज लोगों का जो इतना भारी संख्या में जो आज लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूँ लोगों ने अपने सोनीपत में मन मना लिया है कि सोनीपत में बदलाव करना है और कमल खिलाने का काम करेंगे इस बार। मोदी जी आए थे, क्या कह गए? मोदी जी आए थे कल, क्या मूल मंत्र है वो जीत के लिए देखे गए? मोदी जी की जो रैली हुई, सबसे पहले तो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत ही सफल रैली हुई और बहुत ही बढ़िया रैली हुई। उसके बाद जो बड़ी घोषणाएं हमारी सरकार ने करी हैं, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो आज हमारे स्टेट में है, प्रदेश में है, नायब जी ने जो आज संकल्प पत्र निकाला है, सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बात करी और विस्तार में बताया है। और जो हमारे सोनीपत तक मेट्रो आने की बात है, वो मेट्रो तक भी आने का काम इस बार सोनीपत में होगा। सर, विरोधियों को भी उन्होंने तगड़ा जवाब है वो दिया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ जो मोदी जी कल कहकर गए हैं मंच के माध्यम से कि सबसे बड़ा एक ही संकल्प है कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बता दें कि सोनीपत से मेयर निखिल मदान विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें सोनीपत से उम्मीदवार बनाया, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के सुरेंद्र पवार से है, जो भी ईडी के एक मामले में जेल से निकले हैं। युवा मदान की छवि इलाके में एक तेज तर्रार और विकास प्रिय शख्स की है, जिसके कारण उन्हें अपार जनसमर्थन मिलता नजर आ रहा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।